सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका टीचर गिरीश। मैं आज आपके लिए आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो उसको उसका पूरा नाम है बेसिक टू एडवांस इन 3ds Max। यानी कि हम 3ds Max को एकदम जीरो लेवल बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। 3ds Max क्या है, 3ds Max में कैसा वर्क होता है, यानी कि अब तक अगर किसी पर्सन ने, किसी स्टूडेंट ने 3ds Max अगर उसको सीखना है, उसको 3D के बारे में जानना है, तो उसको अब तक कुछ पता ही ना हो, और बिल्कुल जो नया यूज़र है जिसको 3D में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ये मेरी सीरीज़ है। बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा, एकदम फ्रेशर है, एकदम नए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पूरा कोर्स है। उनको मैं पूरा जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक मैं इसमें दिखाऊंगा कैसे हम 3ds Max का यूज़ कर सकते हैं, और 3ds Max क्या है और कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, 3ds Max जो है वो ऑटोडेस्क कंपनी का है, ऑटोडेस्क 3ds Max, और मैं जो अभी वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 2018 है, और ऑटोडेस्क ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। 3D यानी के 3ds यानी के 3D, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका आपको 3D में बनाना है, उसमें अगर आपको 3D में वर्क करना है तो आप इस सॉफ्टवेयर में 3D बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और सोबर इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पूरा इसका UI समझा देता हूँ, और थोड़ा बहुत 3D के बारे में आपको मैं बता दूँगा। 3ds Max जो है वो अभी करंटली हमारा जो VFX इंडस्ट्री है, 3D एनिमेशन के रिलेटेड जो मूवीज़ बनते हैं, 3D के रिगार्डिंग जो हमारे मॉडल्स बनते हैं, 3D के अंदर कार्टून आप देख लो तो उसमें 3D का यूज़ होता है, और 3D का यूज़ जो है वो दूसरा आर्किटेक्चरल्स जो इंडस्ट्री है, आर्किटेक्चरल जो वॉक थ्रूज होते हैं उसमें करंटली 3D का मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। गेमिंग में 3D का यूज़ होता है, एनिमेशन में 3ds Max का यूज़ होता है, VFX में 3ds Max का यूज़ होता है, और अभी करंटली 3D की बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। मैक्सिमम डिमांड जो बढ़ रही है वो 3ds Max की बढ़ रही है। बहुत सारे दूसरे भी अलग अलग सॉफ्टवेयर है 3D के, जैसे माया है, ZBrush है, लेकिन जो बेस है, जो आपका फाउंडेशन है, वो आपका 3ds Max है। अगर आप 3ds Max जो है वो अच्छी तरह से अगर आप समझ लेते हो, तो फिर आपको दूसरे जो सॉफ्टवेयर हो उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फाउंडेशन ये है। तो चलिए अब मैं आपको इसका थोड़ा बहुत UI समझाता हूँ। सॉफ्टवेयर में हम जाते हैं तो इसका ये UI है, ये जस्ट फाइल मेनू है, और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बार दिया है, ये रिबन है, इसमें आपको मॉडलिंग के ऑप्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, अलग अलग ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये लेफ्ट व्यू है, और ये पर्सपेक्टिव व्यू है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो पूरा हम यहाँ पे 3D देख सकते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में। और ये जो है हमारा टॉप व्यू है, कि यानी पे टॉप से हमारा ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा। आप यहाँ से ये जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ से आप व्यू चेंज कर सकते हैं, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, और इसके शॉर्टकट भी यहाँ पे दिए हैं, P फॉर पर्सपेक्टिव, U फॉर ऑर्थोग्राफिक्स व्यू, T फॉर टॉप व्यू, B फॉर बॉटम, F फॉर फ्रंट है, और L फॉर लेफ्ट। ये मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा अभी। और ये फ्रंट व्यू है हमारा, ये यहाँ पे लेफ्ट व्यू है, और ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है। ठीक है, ये चार हमारे व्यू दिए हैं जो हम कभी भी इसमें चेंज कर सकते हैं। जो भी एक्टिव व्यू रहेगा उसमें यहाँ पे येल्लो कलर की बॉर्डर आ जाएगी, उससे आपको पता चलेगा कि करंटली मैं अभी इस व्यू में मेरा वर्क जो है वो एक्टिव है। ठीक है, और ये मॉडिफाई पैनल है पूरी, कंट्रोल पैनल है पूरी। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन सी पैनल्स हैं, ये सारे पैनल हैं। यहाँ पे भी कमांड पैनल, तो ये जो है हमारा कमांड पैनल है। उसके बाद है रिबन, जो मैंने इसके बारे में बताया था वो रिबन है।
सीन एक्सप्लोरर डिफॉल्ट, ये सीन एक्सप्लोरर डिफॉल्ट है। टाइम स्लाइडर यानी ये जो नीचे दिख रहा है ये आपको, ये टाइम स्लाइडर है जिसमें आप एनिमेशन कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो है व्यूपोर्ट टैब है, ये व्यूपोर्ट टैब दिया है हमें यहाँ पे। और ये मेन टूल बार है ऊपर जो हमारा है, ये हमारा मेन टूल बार है, ये हमारा रिबन है, ये हमारे व्यूपोर्ट है, ये हमारा कौन सा पैनल है, ये हमारा कमांड पैनल है, और ये हमारा टाइम स्लाइडर है, और नीचे ये व्यूपोर्ट पैनल है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ यूआई दिया है जहाँ से आप पूरे 3D Max को आप ऑपरेट कर सकते हैं। मेनू में ज़्यादातर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, मोस्ट ऑफ काम जो है वो हमारा कमांड पैनल में ही हो जाता है। जो कमांड पैनल है यहाँ से कई बार ये रिबन अलग पैनल जो है वो चली जाती है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कमांड पैनल वापस ला सकते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको व्यू को कैसे मैनेज करना है वो आपको सिखाऊंगा, फिर मैं आपको ऑब्जेक्ट कैसे बनाने हैं और कैसे ऑब्जेक्ट को हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा।